खेत देख लो आप, कितने सारे पेड़ हैं, हरियाली है, काफी अच्छा लगा यहाँ आके, काफी पॉजिटिविटी है। ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको दूसरी जगह बढ़िया सी। लेफ्ट, ओके, अब हमें लेना है लेफ्ट टर्न, क्योंकि अब हम जा रहे हैं माता बेलोन के मंदिर, माता रानी के भवन में दर्शन करने के लिए। इधर है कि चले गए। आप अंदर जाओगे तो आपको ना बजरंग बली महाराज का दिव्य रूप देखने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने अपना सीना फाड़ कर श्री राम और सीता माता के दर्शन कराए हैं। तो गाइस दिखाते हैं हम आपको एक और नई चीज। जय श्री राम। ये देखिए श्री कृष्ण जी का विराट रूप है ये। तो ये पत्थर बहुत अट्रैक्ट करते हैं शिवानी। ये हमारे ऋषि मुनि शंकर भोले की बारात देख लो। ये है भाई बारात में, तुम भी शामिल हो गया। भोले की बारात में हम भी शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। नारायण आए थे, गणेश जी आए थे, सब देवी देवता आए थे भोले बाबा की बारात में। लक्ष्मी नारायण हरी हरी, श्री शेष सैया पे बैठे हैं। ये हैं राधा कृष्ण, देखो कान्हा राधा, देखो ये भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बाकी बिहारी जी की जय हो। बिहारी जी हैं, बजरंग बली महाराज की जय हो। हमारे हनुमान जी पवन पुत्र, जय हो प्रभु। काफी अच्छा मंदिर है गाइस, पर इन्होंने भगवान को बंद क्यों कर रखा है इसमें, क्योंकि फिर सब लोग घुस जाएंगे ना उसमें, इसलिए दूर से। जय हो संतोषी माँ की जय। बहुत सारे भगवान हैं, सारे भगवान के दर्शन, और मैं आपको कराने जा रहा हूँ हनुमान जी के दर्शन, भव्य दर्शन। बहुत ही जय भी बजरंग जी, कमेंट करके बताइएगा हमें कि आपको ये मंदिर कैसा लगा, दर्शन कैसे लगे। शायद मैंने कभी किसी मंदिर में इतनी सारी मूर्तियां नहीं देखी। ये है श्री कृष्ण और सुदामा, कहते हैं ना भगवान खुद चरण धो रहे हैं, देख लो शुद्ध सुदामा के। भगवान को सिर्फ भक्ति से ही हासिल किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये देखो कितनी सारी शिव जी की प्रतिमा है यहाँ पर, बहुत सारे शिवलिंग हैं। अभी भीड़ कम है यहाँ पर, लेकिन बहुत भीड़ रहती है इस मंदिर में। यहाँ से देखिए हनुमान जी के दर्शन करिए, वाह अमेजिंग। तो गाइस ख़त्म करते हैं अपना ब्लॉग यहीं। आपको ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ये अमरनाथ है, मतलब अमरनाथ की प्रतिम बना रखी है उन्होंने। और गाइस हम भी जा रहे हैं अभी 10 मई को जाएंगे केदारनाथ यात्रा करने के लिए। अच्छा, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप भी अपने तो गाइस ये हैं श्री राम जी केवट के साथ। ये हैं, ये पता नहीं भाई भगवान विष्णु तो दिख रहे हैं, बट ये छोटे छोटे पता नहीं कौन है। ये है माता काली, जय माता काली की, जय हो वीर बजरंगी की, जय हो बजरंग महाराज की, जय श्री राम। तो गाइस वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अभी हम आ चुके हैं नरोरा, तो देखिए ब्यूटीफुल सी जगह, गंगा जी नरोरा घाट है ये, एंड गंगा जी बह रही हैं। देखो अभी कलर ही चेंज है गंगा जी का, यहाँ पर एकदम ब्लूइश है, लेकिन भीड़ लग रहा है बहुत है, गाड़ियाँ काफ़ी तक दूर तक लगी हुई हैं यहाँ पर। गाड़ी बताइए आगे ले चले या यहीं है? हम आगे लेके चलेंगे गाड़ी, तो आ रही है गंगा जी। तो गंगा जी यहाँ तक आ जाती है वैसे, कितनी हो रही है बारिश के टाइम है ना, ये पूरी फसलें भर जाती है, मतलब ये पूरा देखो पीपल का पेड़ भाई, क्या हवा चल रही है मस्त एकदम संदूप से।
दोपहर तो पड़ रही है लेकिन मौसम हवा इतनी अच्छी है कि दोपहर ही महसूस नहीं हो रही है हमें बिल्कुल भी। ये देखिए गंगा जी का व्यू, मैं पहले भी आ चुका हूँ इस जगह पे, हमने ब्लॉग बनाया था और काफ़ी समय बाद हम दोबारा इस जगह पे आ चुके हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी गंगा जी में नहाने के लिए, पानी है एकदम क्लियर। See the beauty of Ganga. गाइस मज़ा आया गंगा जी में नहा के, हम निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। उठाते अपनी बिग डैडी, वाह।